तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा आपको 50 प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। 50 हो सकती है, 50 से ऊपर भी हो सकती है। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर इस चैनल में आप न्यू हो तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर करना। और अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आधी आपको पता भी होंगी और आधी बहुत न्यू है, जो जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टार्ट। टिप नंबर वन है हमारी सबसे बेस्ट लैंडिंग। तो बेस्ट लैंडिंग करने के लिए आपको सिंपली स्क्रीन को पूरा नीचे और क्रोसियर को थोड़ा लेफ्ट के साइड उतरना है। तो ये देखो 234 की स्पीड पे आप सबसे पहले उतर जाओगे। तो ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है उतरने की। तो सबसे पहले उतर के आप गन लूट सकते हो इजी और बंदों को पेल सकते हो। हवा में कोई बंदे उतर सकते हैं तो आप उनको हवा में भी पेल सकते हो। तो नेक्स्ट टिप में ये है कि आपको ऐसे पता लगेगा कि आपका एनिमी कितनी दूर है आपसे मिनी मैप में। तो ज़्यादा 20 मीटर दूर होता है तो हल्के फुटस्टेप आते हैं, 15 मीटर दूर होता है थोड़े डार्क फुटस्टेप आते हैं, और 10 मीटर की दूरी में होता है तो काफ़ी डार्क रेड फुटस्टेप आता है। और आपको ऐसे ही पता लग जाता है कि बंदा हमारे क्लोज आ चुका है, तो इस बंदे को जल्दी जल्दी मारना है। और इसी के साथ व्हीकल का भी सेम है। व्हीकल का जैसे ये देखो 90 मीटर दूर होगी तो काफ़ी हल्का फुटस्टेप आएगा, फुटस्टेप क्या मार्क आएगा मैप में। और 60 मीटर दूर होगी तो थोड़ा डार्क आएगा, और जैसे 30 मीटर दूर होगी तो काफ़ी डार्क आएगा रेड कलर का, और आपको साउंड भी आ जाएगा कि गाड़ी आपके आसपास है और ज़्यादा रेड फुटस्टेप आएगा, आपको पता लगेगा इजी कि गाड़ी हमारे आसपास है। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारी काम करती है थर्ड हिल का। ये घर होता है, लोग यहाँ पर काफ़ी कैंप करते हैं, जैसे मैं अभी कैंप कर रहा हूँ, लोग ऐसे बहुत कैंप कर रहे हैं। आपको करना कुछ ऐसा है कि आपको ये बिल्डिंग में आना और यहाँ से सिंपली आपको एक जंप करना है। जंप करके आप इस बिल्डिंग में अंदर आ जाओगे, अंदर आते ही आप उसको ईजी फेल सकते हो। तो ऐसे ही फेल सकते हो ईजी आप, तो काफ़ी ईजी है ये ट्रिप। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारी काम आती है स्टेडियम की तरफ। आपको ये रेड लाइन दिख रही होगी, इससे आपको जंप करना है ऐसे, और आप इजीली यहाँ से बाहर आ सकते हो विलेज ग्रैब करके। अगले बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि आ कहाँ से गया। निकलने की जगह तो यहाँ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सामने से है। तो इसका एक और तरीका है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका एक और तरीका है, इधर आकर आपको स्केटबोर्ड ऑन कर लेना है जस्ट, और यहाँ पर जंप करना है और आप बाहर आ जाओगे ऐसे ही जंप करते करते। ये भी आप काफ़ी ईजी ट्रिक है, इसे भी आप अपने गेम प्ले में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो नेक्स्ट टिप हमारी काम करती है स्टेडियम के ऊपर ही। आपको जस्ट यहाँ पर आना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जंप करना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ से आपको थोड़ा जंप करना है और इस साइड जंप करना है, ये कॉर्नर पे यहाँ पर लिज ग्रैब करना है। और यहाँ पर जितने भी बंदे होंगे इस साइड, काफ़ी बंदे कैंप करते हैं, आप उन्हें ईजी पेल सकते हो, वो भी बिना जोर लगाए आप यहाँ से आ सकते हो और उसे सरप्राइज अटैक दे सकते हो, बंदे को पता भी लगे कि आप कहाँ से आए। तो नेक्स्ट टिप हमारी काम आती है कनी कैनियन की साइड। आप लिटरली यहाँ पर बिना पौड़ियाँ चढ़े ऊपर चढ़ सकते हो, वो भी ये इसका क्या कहते हैं स्केटबोर्ड का यूज़ करके इजी चढ़ सकते हो, और ऊपर जितने भी नीचे से बंदे ऊपर आ रहे हैं और उन्हें इजी आप पेल सकते हो। तो ये भी काफ़ी ओपी ट्रिक है। यहाँ पर से आप ये याद रखना, आपको पेड़ के लेफ्ट साइड से आना है ना कि राइट साइड से। आपको लेफ्ट साइड से आकर सीधा जंप करना है स्केटबोर्ड से, आप सीधा ऊपर की साइड आ जाओगे। तो नेक्स्ट टिप हमारी ओल्ड वेसन में काम करती है। मान लो कि आपके पीछे एक पूरी फुल स्क्वाड पड़ी है और आपकी हेल्थ काफ़ी लो है, तो आप सीधी सी बात यहाँ इस कमरे में आ सकते हो। इस रूम में आपको चारों तरफ से कवर मिलेगा और आपको अपर एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं हम बिना देरी किए। तो बिना नेक्स्ट टिप हमारी काम करती है स्टेडियम पर ही। तो आपको बाई चांस ऊपर स्क्वाड हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ऊपर स्क्वाड है, बंदे हैं या नहीं है। ये भी काफ़ी ओपी ट्रिक है, इससे भी आप इस्तेमाल करके काफ़ी बंदे पेल सकते हो। और ये ट्रिक भी काफ़ी ओपी है। ये देखो टेबलों पे आके ना आपको सीधे सा आपको स्की ऑन कर लेना है, कोई भी टेबल हो सकता है, भावें किसी भी टेबल में आकर आप ऊपर का सारा व्यू ले सकते हो। तो ये काफ़ी ओपी ट्रिक है। और एक ये ट्रिक है, आप यहाँ से सीधा लिच ग्रैब करके सीधा अंदर जा सकते हो, ये ट्रिक भी काफ़ी ओपी है। तो आपको ना पौड़ियों से आने की जरूरत है। और एक और चीज़ यहाँ पर स्टेडियम में एक और चीज़ है, यहाँ पर बंदे बहुत कैंप कर रहे हैं, करते ही हैं भाई इस साइड या बिल्डिंग के साइड। आपको सिंपल सा यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको धीरे धीरे आना है, बिल्कुल प्यार से आना है भाई, और इधर आके आपको यहाँ पर पीक का ऑप्शन दबाना है, पीक करके इजी बंदे को पेल डालना है, तो बंदे को तो पता भी नहीं लगेगा कि मुझे कहाँ से पड़ी। तो नेक्स्ट टिप हमारी काम करती है स्क्वाड हाउस के अंदर। तो स्क्वाड हाउस की पौड़ियों में काफ़ी बंदे कैंप करते हैं,
आपको जैसे पता ही होगा कि पौड़ियों में बैठे होते हैं कितने बंदे, तो आपको करना कुछ ऐसा है कि ये जो पौड़ियों के साथ खिड़की होती है इधर से आपको उसको इजी पेल डालना है। यहाँ पर आप काफ़ी इजी बंदे को पेल सकते हो, जो अगर बंदा हुआ तो आप काफ़ी इजी उसको पेल दोगे। तो नेक्स्ट टिप हमारी यहाँ पर काम करती है, बाई चांस आपको नदी के उस पर जाना हो, काफ़ी जल्दी हो और आपको ब्रिज से ना जाना हो, तो आपको करना कुछ ऐसा है कि एक गाड़ी लेनी है और गाड़ी को सीधा फुल स्पीड में पानी की तरफ ले जाना है। तो पानी की तरफ ले जाते आपको फुल स्पीड में जाना है और यहाँ पर आके आपको एक्सिट कर देना है। आप काफ़ी जल्दी काफ़ी स्पीड में नदी क्रॉस कर लोगे, बट आपकी पानी बगी पानी के अंदर डूब जाएगी। तो ये ट्रिक हमारी इस पहाड़ी पर काम करती है। अगर आप पहाड़ी पर हो तो आप ऐसे तो आओगे तो मर जाओगे, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, ये मतलब कि स्की का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर काम करती है। तो नेक्स्ट स्टेप के में आपको नेड का साइन रखो, जैसे क्लोज होता है ना काफ़ी, तो आपको ज़्यादा रेड साइन देता है कि यहाँ पर नेड है। अगर आप दूर हो जाते हो तो आपको बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ता। ये देखो जैसे मैं क्लोज, मेरे बिल्कुल क्लोज है तो काफ़ी रेड आया, तो मैं थोड़ा पीछे आया तो काफ़ी हल्का हो गया और हमें हल्का सा डैमेज भी पड़ा। अगर फुल रेड होता तो काफ़ी डैमेज पड़ता। तो ये ट्रिक हमारी नेक्स्ट ट्रिप हमारी काम करती है स्क्वाड हाउस के अंदर। मान लो आप पर एक पूरी फुल स्क्वाड रश कर रही है और आप अकेले बच्चे हो, तो आपको सीधी सी बात करना क्या है, पूरे रूम पर स्मोक ही स्मोक कर देनी है और एक कोना पकड़ के बैठ जाना है, 1v1 लेना आपको सबसे पहले, तो आप उसे इजी पेल सकते हो। और ये ट्रिक हमारी एक और काम करती है, इससे आप जल्दी लेट सकते हो और गन स्विच कर सकते हो। तो आपको करना कुछ ऐसा है कि गन स्विच करते ही आपको फायरिंग का बटन दबाना है। देखो तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक काम करती है इस साइड। आपको स्नोबॉल हमेशा रखनी है भाई, जो मर्जी हो जाए आपको स्नोबॉल रखनी है। मान लो कि लास्ट जोन है, आपके पास कोई कवर नहीं है, तो ये कवर बनाने के लिए काफ़ी ओपी चीज़ है। ये कवर बनाकर आपको आप इससे काफ़ी अच्छी चीज़ कर सकते हो। तो ये देखो, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारी काम करती है यहाँ क्या, थर्ड हिल के अंदर जो ये ट्रिपल बिल्डिंग होती है ना, तो आप सीधा गाड़ी यहाँ से लेकर आओ और यहाँ पर कुदा दो गाड़ी, और यहाँ पर कुदाने के बाद यहाँ पर कर दो एक्सिट। एक्सिट करने के बाद आप यहाँ पर चढ़ जाओगे, चढ़ने के बाद आप यहाँ से बंदे पेल सकते हो और जो फर्स्ट फ्लोर में भी होंगे उसे भी आप इजी पेल सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये भी, तो इसे भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारी यहाँ पर काम करती है कि आप हमेशा हॉट ड्रॉप करोगे या नहीं करोगे। अगर आप रैंक पुश वगैरह नहीं कर रहे हो तो हॉट ड्रॉप ना करो, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो हॉट ड्रॉप बिल्कुल भी ना करो भाई, माइनस अपना बिल्कुल भी मत लगवाओ भाई, सेफ ही उतरो अगर आप रैंक पुश कर रहे हो। तो नेक्स्ट ट्रिप के और बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारी ये है कि गन कॉम्बिनेशन आपको क्या रखना है। जैसे आप M249 के साथ DP तो कभी मत चलाना भाई, क्योंकि आपको पता ही है दोनों का रिलोडिंग टाइम इतना ज़्यादा है ना भाई, कसम से। आप M4 के साथ UZ वगैरह, AWM, AKM कुछ भी गन रख सकते हो, M4 के साथ कोई भी गन चलेगी। आप वैसे ज़्यादातर तो आपको मुझे पता ही होगा आप लोग शॉर्ट गन यूज़ करते होगे भाई, मैं भी करता हूँ कभी कभी, बट ज़्यादातर लोग S12 के यूज़र्स हैं इस गेम में, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो S12 के यूज़ नहीं करते, उन्हें थॉम्सन से ही प्यार है। अगर आप थॉम्सन से प्यार करते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप की ओर। तो भाई नेक्स्ट ट्रिप में आती है हमारा थ्रोबल। भाई थ्रोबल आज के टाइम में कौन नहीं यूज़ करता भाई, अगर आप नहीं यूज़ करते तो भाई यार स्टन, स्मोक और मोलोटोव और ग्रेनेड, भाई ये चारों चीज़ आप ज़रूर उठाओ भाई, इन्हें यूज़ करो भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन्हें ही आप इसे ही यूज़ करते करते आप S12 के और RPG यूजर्स को आराम से पेल सकते हो, बिना क्लोज चाहे उन्हें नेट से ही पेल सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर नहीं उठाते ये चीज़ें तो आप पिकअप में जाके इसे ऑन कर लेना और ग्रेनेड वगैरह ज़रूर उठाना। तो भाई अगर आपको पता है कि सामने वाला S12 के यूज़र है तो भाई उसके क्लोज कभी मत जाओ भाई, जो मर्जी हो जाए उसके क्लोज मत जाओ। आप दूर से उससे फाइट ले सकते हो या ग्रेनेड वगैरह से उससे फाइट ले सकते हो। अगर उसे आप थोड़ा सा भी डैमेज कर दो तो रश कर आप उसे पेल सकते हो, बट उसके बिना डैमेज किए उस पर रश मत करना भाई। कितना भी नूबड़ा प्लेयर हो वो आपको ईजी पेल ही देगा भाई, आपको पता ही है S12 के वाले कितने नूब होते हैं, बट वो पेल जाते हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखो। तो नेक्स्ट टिप में मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप K9 चलाते हो, Kar 98, तो उसकी एमओ सिर्फ 50 से 30 तक के बीच में ही रखो। अगर इससे आप ज़्यादा रखोगे तो यार आपको कुछ नहीं होगा, बैक स्पेस ही भरेगी। आप K9 के साथ M4 भी चला सकते हो, M4 की आप एमओज ज़्यादा रख सकते हो, बट उसकी क्या कहते हैं K9 की एमओज काफ़ी कम रखा करो, 30 से 50 के आसपास।
तो गाइज नेक्स्ट स्टेप, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो भाई जोन से डैमेज आप ज़रूर खाओ भाई, जितना जोन से डैमेज आप खा सकते हो। तो आपका जोन से डैमेज खाने का ये फ़ायदा होता है, आपका प्लस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जितना आप जोन से डैमेज लोगे उतना आपका प्लस होगा, और आप जितना हील करोगे उतना आपकी प्लस होगी। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप ये है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो भाई, कभी भी आप किसी बंदे के दो से तीन बंदे अभी नॉक कर दो ना, तभी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो भाई। ये दो जड़े आपने नॉक करे ना, उनके दो बंदे तो बचे ही होंगे, वो दो बंदे आपको फेल सकते हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पुश किसी में मत करना, या फिर आप पर 1v3 मतलब के तीन जानों का पुश आ रहा है, एक आप छोटे से घर में हो तो आप ऐसा करो कि उस घर से भाग जाओ, जहाँ कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के उन्हें उधर फाइट करना, और आप 1v3 ही कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर आप उतरते हो सबसे पहले लैंडिंग करते हो, अगर उतरते ही आपको एक गन मिल जाती है तो सीधा बंदों पर रश कर दो, एक ही गन लेकर निहत्तों बंदों पर रश करना सुनकर। अगर निहत्तों बंदों पर रश करोगे आपको, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपकी केडी भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और अगर आपके पास दो गन मिल जाती है आपको, तो अपने टीममेट को एक गन दे दो, एक से भले दो, तो इससे भी काफ़ी आप इजी, तो आपका काफ़ी इजी बंदे पेल सकते हो। गाइस कभी भी 80% से ज़्यादा डैमेज हुई गाड़ी कभी मत इस्तेमाल करना, आपके पास कभी भी ऐसा हो सकता है, कहीं से भी फायरिंग हो सकता है और कभी भी आपकी पेटी बन सकती है। उसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और नेक्स्ट टिप हमारी ये, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो एक से दो गाड़ियों का इस्तेमाल करा करो आप ज़रूर, क्योंकि दो गाड़ियाँ लास्ट जोन में आपको बहुत काम आएगी। मान लो कि लास्ट जोन आपका ओपन में बना है, आपके पास कोई कवर नहीं है, आप गाड़ी का इस्तेमाल कवर के लिए कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि गाड़ियों के टायर फोड़ने हैं, क्योंकि अगर आपने बिना टायर फोड़े मार दी तो नीचे से आपको गोलियां पड़ सकती है। आप याद रखना कि सबसे पहले आपको गाड़ी के टायर फोड़ने हैं, फिर आपको गाड़ी फोड़नी है, इससे आपका काफ़ी अच्छा कवर बन जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि एयरफोन्स का भरपूर इस्तेमाल करो भाई, अगर आप एयरफोन्स डालकर नहीं खेलते गेम तो भाई आप बहुत बड़े, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बड़े कुछ भी हो। तो अगर आप यार सारा गेम ना गेम सेंस के हेडफोन के ऊपर है, मतलब कि यार साउंड के ऊपर है सारा गेम, तो अगर आपको साउंड ही नहीं आएगा बंदे का तो आपको पता कैसे लगेगा कौन सा बंदा कहाँ पर है। अगर आपने हेडफोन डाले होंगे आपको इजी क्लियर फुटस्टेप आ रहे होंगे कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, कौन सा बंदा कौन किस पर रश कर रहा है, आप उसे ईजी पेल सकते हो। तो गाइज अगर आप TDM ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हो तो ज़्यादा यूज़ करो कि आप एम असिस्ट क्लोज पर यूज़ करो। अगर आप सोल्ट राइफल्स चलाते हो तो, अगर आप K9 वगैरह चलाते हो तो आप हेवी कुछ भी कर सकते हो, हैवी हाई कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप सोल्टर यूज़ करते हो तो क्लोज पर लगाकर यूज़ करा करो, आपका एम ओपन जहर हो जाएगा, मतलब कि आप इजी बंदे पेल सकते हो, हेड से ही हेड मार सकते हो, आप वहाँ से सीख सकते हो मतलब कि क्लोज करके, तो काफ़ी गेम सेंस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये है, अगर आप किसी पर स्प्रे दे रहे हो, काफ़ी दूर है बंदा, तो यूज़ करो कि आप प्रोनो के बंदे को मारो। प्रोनो कर ऐसा होता है ना, काफ़ी स्टेबल स्प्रे जाता है, तो बंदे को पूरा बल्कि हैकर स्प्रे जाता है, बंदे को पता नहीं लगता कहाँ से पड़ी। तो आप यूज़ करो कि आप लेट कर काफ़ी बंदे मार सकते हो, ऊपर में इतना ओपन में मत लेटना, अगर आपके पास थोड़ा सा कवर है तो आप वहीं पर लेटना, अगर ज़्यादा ओपन में भी आए तो बंदे आपको ईजी फेल सकते हैं, तो ध्यान रखना इतनी बात का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये है, अगर आप ग्रेनेड फेंक रहे हो, अगर आप नॉर्मली ऐसे ग्रेनेड फेंकोगे तो इतनी दूर जाएगा नहीं, आपको अगर ज़्यादा दूर फेंकना हो तो आप जंप कर फेंक सकते हो, काफ़ी दूर नेट जाएगा, या फिर आप रन कर जंप कर सकते हो, इससे भी आपका नेट काफ़ी दूर जाएगा, और जितनी दूर बंदा फटेगा उतना आपका गेम सेंस काफ़ी अच्छा होगा और आप मतलब कि प्रो प्लेयर उतना ही बनोगे। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये है, अगर आपके पास बैंडेजेस 10 से ज़्यादा है तो भाई 10 से ज़्यादा बिल्कुल मत रखो, 10 इनफ होती है। अगर आपके पास लूट नहीं है तो आप मैक्सिमम 15 से 20 रख सकते हो, इसके ऊपर मत रखना भाई। अगर आपके पास प्रॉपर हील है तो 5 से 10 बैंडेजेस रखना, बैंडेजेस का इतनी लोड नहीं पड़ती इस गेम में, आपको पता ही है भाई बंदे कितने जल्दी रश कर जाते हैं, आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो अगर बैंडेजेस की आपको ज़रूरत पड़ती है तो 15 से 20 या 10, मिनिमम 10 बैंडेजेस बहुत इनफ है। तो यार काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हो चुकी है, तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को एक शेयर भी कर देना, तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा भाई। बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को एडिट करने में और बनाने में और अपलोड करने में, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो भाई दिल से शुक्रिया,
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड पीस आउट, बाय बाय, लव यू गाइस।